स्वागत है सुरुकड़ी हेडलाइंस। प्रमुख दलक नेता सब मिलकर निर्वाचन में जाके प्रतिबद्धता जनौलक। संबंध विच्छेद करबाक मोर्चाक चेतावनीक बाद चुनावक मिति घोषणा करबाक सरकारक मनसाय बदलल। मोर्चाक सहमतिक बाद मात्रे आगा बढ़त। स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत सब स्वास्थ्य कर्मी आ कर्मचारी अनिवार्य रूप में पालना करे पर बाक सेवा शर्त सबक संबंध में जारी निर्देशिका के विरोध। नवलपरासी में ट्रक के ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार एक गोटे के मृत्यु। अव्यवस्थापिका संसदक वातावरण संरक्षण समिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन तथा नियंत्रण कर बनल विधेयक ऊपर परामर्श शुरू। आप समाचार विस्तार से। प्रमुख दलक नेता सब मिलकर निर्वाचन में जाके प्रतिबद्धता जनौलक। नेकपा एमालेक सचिव योगेश भट्टराई, नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता हरिबोल गुजरेल आ संघ समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचन में जाके विषय में विमति नहीं रहल बतौने। काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजट प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेक सचिव योगेश भट्टराई अपन पार्टी निर्वाचनक तैयारी में केन्द्रित भ गेल उल्लेख कलन। ओ संविधान सम्मत ढंग से निर्वाचन कराब संविधान संशोधन प्रस्तावक आवश्यकता नहीं रहल कारण ओहि के फिरता लेब सरकार के पुनः आग्रह सेहो कलन। सचिव भट्टराई सरकार निर्वाचन होब नहीं देव जका संविधान संशोधन प्रस्ताव लेने आरोप सेहो लगौलक। त्यो विधेयकले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्दैछ, त्यसकारणले हामी संविधान सम्मत ढङ्गले निर्वाचनको कार्यपालिकालाई अगाडि बढाउन र अहिलेका समग्र यो चाहिँ संक्रमण काललाई र राजनीतिको गतिविधिलाई निर्वाचनले मात्रै समाधान गर्न सक्छ त्यो दिशामा अगाडि बढ्न नेकपा एमाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता हरिबोल गुजरेल निर्वाचन में जाय प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सेहो तैयार रहल उल्लेख कलन। ओ संविधान संशोधन प्रस्ताव सेहो सब दल के सहमति में पारित कराब सरकार लायक पड़ल बतौलन। ओ सब दल मिलकर देश के विकास देव में विकल्प नहीं रहल सेहो स्पष्ट कलन। नियम कानुनहरू बन्ने कुरामा त एमालेको सहमति भएको छ, यो यसको एउटा समन्वय गर्ने कुनै कुनै बाटो खोज्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र मिलेर जानु कुनै विकल्प। समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सब दल के सहमति में निर्वाचन में ज्या प्रभाग में जोड़ दिलन। ओ देश जटिल मोड में रहल उल्लेख करैत मिलकर आगू बढ़ प्रभाक अवस्था आयल सेहो उल्लेख कलन। संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन क के आगू बढ़ला से सब दल के सहमति में लाभ सकत आ निर्वाचन में ज्या सहज हैत हुनक धारणा छल। द्वन्द्वलाई मिनिमाइज गर्ने बाटोतर्फ जानुपर्छ र अहिलेको अवस्था नेपालको लागि अत्यन्त क्रुसियल पिरियड हो। यदि हामी द्वन्द्व बढायौँ भने हुनसक्छ फ्युचरमा केही हातमा नरहला, परिस्थिति अर्कातर्फ पनि जान सक्ला, कता जाला त्यो निश्चित छैन, तर पनि जता जान्छ द्वन्द्वमा राम्रोतर्फ जान्छ। संघीय गठबन्धन सहितक मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन नै भक निर्वाचन में ज्या नै सकबाक अडान रखैत आयल अछि। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन पहिने चुनावक मिति घोषणा करत त सम्बन्ध विच्छेद करबाक चेतावनी देने अछि। मोर्चाक चेतावनी संगे चुनावक मिति तत्काल घोषणा करबाक सरकारक तैयारी में ग्रहण लागल अछि। एक रिपोर्ट। संविधान संशोधन करेबाक मुख्य शर्त में साउन 19 गते नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र आ संघीय गठबंधन बीच तीन मुद्दा के सहमति भेल छल। इस सहमति में तत्काल कैल जा सकवला आ किछ मास में क लेल जा सकबाक विषय सब समेटल गेल छल। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष प्रचंड के सरकार में पहुँचाब वोट देल जेबाक शर्त मधेसी मोर्चा से तत्काल पूरा कैल गेल। अइ बाहेकक दुटा बुंदा मधेस आंदोलन संग संबंधित छल। सरकार से अपना अनुकूलक सहमति मोर्चा से तत्काल कार्यान्वयन कराओल गेलो पर मधेस आंदोलन संग संबंधित विषय सब किछ मात्रा में मात्र कार्यान्वयन केने अछि। थुप्रै खास गरेर
68 जना शहीद को नामावली प्रस्तुत गरेका थियौं। तीमध्ये 16 जना अझै पनि शहादत शहीद घोषणा हुन बाँकी रहेका छन्। त्यस्तै हामीले निजी तर्फको क्षति विवरण प्रस्तुत गरेका थियौं। हामीले घायलहरूको नामावली प्रस्तुत गरेका थियौं। हामीले उपचार खर्च प्रस्तुत गरेका थियौं। हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको सन्धि लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनताका लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्तीका प्रस्ताव गरेका थियौँ। ती सबैको बारेमा गृह मन्त्रालयबाट हाम्रो समन्वय भइरहेको छ। केही त भएको पनि छ, तर अधिकांश बाँकी छ। एकजनाको पनि मुद्दा अहिलेसम्म फिर्ता गरिएको छैन। उपचार खर्च पनि थुप्रैका बाँकी छन्। हाम्रा 2349 घायलमध्ये कसैलाई घाइते भनेर अहिलेसम्म राज्यले चिनेको छैन। निजी तर्फको क्षति कसैलाई दिइएको छैन। त्यस्तै जीवन पर्यन्त घायलहरूका पनि हामीले नामावली प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यो बारेमा पनि गृह मन्त्रालयले केही अगाडि बढाएको छैन। शहीद घोषणा, शहीद परिवारके राहत सहितक किछु काज सरकार पक्ष भेलोपर तीन बुन्दा अन्तर्गतक महत्वपूर्ण बुन्दा संविधान संशोधनक विधेयक टेबल मात्र भ सकल अछि। किछु दिन पहिने लोकमान सिंह कार्की विरुद्धक महाअभियोग प्रकरणसँ संविधान संशोधन संकटमे पड़ल छल। मुदा पछिला समय बड़का दल चुनावके प्राथमिकता देबय लगलाके बाद मधेसी मोर्चाके संविधान संशोधन करेबाक इच्छामे ग्रहण लागबाक सम्भावना बढ़ैत गेल छल। भने यस दिशामा अत्यन्त हामी गम्भीर बनौँ र अहिले सबभन्दा पहिलो कुरा चुनाव हो हाम्रो लागि आवश्यकता, र स्थानीय चुनाव र प्रदेशको चुनाव र सङ्घको केन्द्रको चुनाव, यो तिनवटा चुनाव यो आउँदो मुक्सिरभित्रमा गरिसक्नुपर्ने भएको हुनाले यो तिनवटा चुनावलाई ध्यानमा राखेर अहिले हामीसँग केही विवादका मुद्दाहरू छन् भने पनि तिनलाई हामी मिलाउँदै जाउँला, एउटा वातावरण मानसिकता बन्दै जाला र त्यतापट्टि हामी पर्खेर यो चुनावलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। एना क बेड बेड संविधान संशोधनक विषय ओजराहेटमे पढि सकबाक अवस्था आइलाके बाद मधेसी मोर्चा पछिल्ला समय सम्बन्ध विच्छेद करबाक चेतावनी सरकारके देलक अछि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँ स्थानीय चुनावक मिति घोषणामे सहमति जुटाबय कहैत माघ 11 गते बजौने बैठकमे मोर्चाके नेतासभ एहन चेतावनी देलाके बाद सरकार लचक बनल अछि। मधेसी मोर्चा परिमार्जन सहित संविधान संशोधन नहि कऽ चुनावे होबय नहि देबाक चेतावनी समेत देबय लागल अछि। एहन चेतावनी अयलाके बाद प्रधानमन्त्री मधेसी मोर्चाके सहमति बिना चुनावक मिति घोषणा नहि करबाक आश्वासन देने छथि। एना कऽ मधेसी मोर्चाके चेतावनीके कारण चुनावक मिति घोषणा करबाक सरकारक तैयारीमे तत्काल विराम लागल अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतक सब स्वास्थ्यकर्मी आ कर्मचारी अनिवार्य रूपमे पालना करय पर पाक सेवा शर्त सभक सम्बन्धमे जारी निर्देशिकाके विरोध फैलाइ छै। जनकपुर अञ्चल अस्पतालक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सब बुधदिन विज्ञप्ति निकालि कऽ निर्देशिकाके विरोध केने अछि। ओ सब सरकार न्यून सुविधामे अहोरात्र खट्टावला सरकारी स्वास्थ्यकर्मीके अवमूल्यन कऽ जबरदस्ती नीति लदने चाहने सेहो आरोप लगौलक अछि। एहिके साथे कार्यालय समय 10 बजे के सट्टा 8 बजे कायम कयल गेल प्रति सेहो स्वास्थ्यकर्मी सब आपत्ति जनौलक अछि। ओ सब चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी के आधारभूत सुविधा सब उपलब्ध कराबय सेहो मांग केने अछि। एहिके साथे सरकार हाले लेने निर्देशिका खारिज करय सेहो मांग केने अछि। ओ सब निर्देशिका खारिज नहि कयल गेल तऽ आन्दोलनमे उतरब बाध्य होयत चेतावनी सेहो देने अछि। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतक कर्मचारी आप मन्त्रालयके स्वीकृति बिना निजी स्वास्थ्य संस्थामे काज करय नहि पाओत सहित प्रावधान राखल गेल कार्यविधि पुस 6 गते मन्त्री परिषद स्वीकृति केने छल। कार्यरत तथा कार्यविधि अनुसार निजी काज करय चाहने सब कर्मचारी अनिवार्य रूपमे फागुन मसान्त भित्रेमे स्वीकृतिक लेल मन्त्रालयमे निवेदन देबय पर्वाक अछि। तहगत जिम्मेवारीके मांग करैत आयल रौथट स्थित हेल्थ असिस्टेंट संघ नेपाल आन्दोलनके स्वरूप परिवर्तन केलक अछि। हेल्थ असिस्टेंट सब गौर स्थित जिला जनस्वास्थ्य कार्यालयमे प्रवेश निषेधके बैनर लटका कऽ 19 दिनमे आन्दोलनक स्वरूप परिवर्तन केने अछि। 2 वर्ष पहिने सरकार केने निर्णयके जनस्वास्थ्य प्रमुख नवल किशोर झा व्यवस्था करैत हेल्थ असिस्टेंटके सीनियर अहेवके माथत खटौने विरोधमे ओ सब आन्दोलन करैत आयल अछि। संघक अध्यक्ष राम नरेश यादव के नेतृत्व में जिला फेरक 35 हेल्थ असिस्टेंट पुस 24 गते से कार्यालय में धरना दैत आयल अछि। धरना से सेहो मांग संबोधन नहीं भेल बाद ओ सब बृहस्पति दिन से आंदोलनक स्वरूप परिवर्तन करैत कर्मचारी के कार्यालय प्रवेश में रोक लगौलक अछि।
विश्रामक बाद स्वागत है अपन समाचार में। आप बाकी समाचार सब नवलपरासी के दुमकी बास में ट्रक के ठक्कर सब मोटरसाइकिल में सवार एक गोटे के मृत्यु फैलाई छ। इलाका प्रहरी कार्यालय नया बेलहानी के अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्ग दुमकी बास पांच घिउ खोला में नंबर नहीं खुजल ट्रक के ठक्कर से ना 19 पर 6526 नंबरक मोटरसाइकिल में सवार नवलपरासी के गैराकोट छ निवासी 29 वर्षक तारा घिमरे के घटना स्थल में मृत्यु फैलाई छे। मोटरसाइकिल चालक तारा घिमरे के 43 वर्षक भाई पाल कृष्ण ढकाल गंभीर घायल भेलाई छे। घायल ढकाल के भरतपुर में इलाज भ रहल आ ठक्कर देवे वाला सवारी के खोजी कार्य जारी रहल पुलिस जनौलक अछि। व्यवस्थापिका संसदक वातावरण संरक्षण समिति में संकटापन वन्य जंतु तथा वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन तथा नियंत्रण कर बनल विधेयक ऊपर परामर्श शुरू फैलाई छे। बृहस्पति दिन बैसल समिति के बैसार में समितिक सदस्य सब विधेयक में फेल व्यवस्था अनुसार नेपाल में पावला वन्य जंतु आ वनस्पति विदेश में निकासी कर नेपालक मौलिकता आ प्राकृतिक संपदा के विदेशीय देव नै हैत तर्क के न्याय छ। ओ सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन आ नियंत्रण कर कानून में कड़ाई नै करत त नेपाल से लोपेन्मुख वनस्पति तथा वन्य जंतु के चोरी पैठारी एकदमे बढ़ के धारणा रख लेना छ। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल नेपालक संकटापन वन्य जंतु आ वनस्पति के व्यापार क विदेशी के धनी बनाब प्रोत्साहन कर सका कानून बनाब नै हैत उल्लेख करेनाइ छ। हामी नेपालीलाई पनि यस्तै यस्तै अनुमति दिएर हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ कुनै एकजनालाई दिन गइरहेछौँ। यो न तिमीले निकासी गर, यो सम्पत्ति चाहिँ सङ्कटापन सबै तिमीले लिएर कमाऊ र विदेशी बैङ्कमा राख भनेर यो अनुमति पत्र दिने भनेको त्यही। त्यस्तो काम हामी यो गणतन्त्रको संसदले गर्नु हुन्न। नेकपा एमाले सांसद राजाराम सांगेतान नेपाल पक्ष भेल संकटापन वन्य जन्तु तथा वनस्पति के प्रजाति के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी महासंधि 1973 के कार्यान्वयन कर संकटापन वन्य जन्तु आ वनस्पति विभिन्न प्रजाति के संरक्षणक लेल एन में उल्लेख कर पर पाक धारणा रख लेना छे। वनस्पति को विषय में अहिलेसम्म यो ऐन थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। वन्यजन्तुको हकमा त संकटापन्न हकमा धेरै कुराहरूले हामीले संशोधन गरेर पनि त्यसलाई परिमार्जन गरेर अझ व्यापक र फराकिलो व्यवस्थापन गर्नलाई अझ कडा शासन अघि बढिरहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने कुराको समक्ष ऐनहरू बनिसकेका छन् र यो वनस्पति चाहिँ एउटा अझै पनि यहाँ उल्लेखित भएको वनस्पतिको सूचीहरू चाहिँ भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो सैद्धान्तिक रूपमा अब यो ऐनमा संशोधित ऐनहरूमा यो नयाँ जुन एउटा नियम ऐन बनाउँदैछौँ हामीले। बैसार में वन मंत्री शंकर भंडारी समिति सदस्य सभक सुझावक आधार में विधेयक के परिमार्जन क वन्य जंतु आ वनस्पति संरक्षण में सरकार कड़ा कानूनी व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता जनौलन अछि। सरकार संकटापन वन्य जंतु तथा वनस्पति सभक चोरी निकासी बढ़ रहल समय अय के नियंत्रण करबाक प्रयास करैत आयल अछि। व्यवस्थापिका संसदक उद्योग समिति कंपनी एन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक अध्ययन कर उपसमिति गठन केलक अछि। समिति के बृहस्पति दिन बैसल बैसार कंपनी एन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक में देखल गेल त्रुटि सब सरकार वाला निकाय संघ परामर्श क सच्याव कांग्रेस नेता नारायण बहादुर कार्की के संयोजकत्व में उपसमिति गठन केने अछि। उपसमिति के दू हफ्ता भीतर विधेयक संबंध में आवश्यक परामर्श क प्रतिवेदन पेश करबाक कार्यदेश सेहो देल गेल अछि। उद्योग समिति में विचाराधीन रहल कंपनी एन में कंपनीक दर्ता आ अध्यावधि केलासक आवश्यक परवला कागजात तथा विवरण सब विद्युतीय माध्यम से अनिवार्य रूप में पेश कर पड़बाक व्यवस्था के एन में समावेश कर पड़बाक भेल तथा एन में व्यवस्था भेल बमोजिम बुझाब पड़बाक विवरण आ पैघ जरिमाना रकम सेहो बुझाब नहीं सकल कंपनी खारिज कर नहीं सकल औद्योगिक तथा व्यवसायी के सहज रूप में कंपनी खारिज कर सकबाक व्यवस्था प्रस्ताव कैल गेल अछि। ओ संबंध में सरकार वाला सब संग आवश्यक परामर्श कर समिति उपसमिति गठन केने अछि। कंपनी एन संशोधन कर बनल विधेयक संबंध में आवश्यक परामर्श क प्रतिवेदन तैयार कर उपसमिति गठन कर पड़बाक समितिक सभापति भीष्मराज आंगदेम्बे जानकारी देलनि अछि। दुई हप्ताको समय सायद पर्याप्त हुन्छ हामीलाई र यसमा चाहिँ सरकारवालाहरू सबैसँग यहाँहरूले सल्लाह गर्नुहोला
र हामीसँग मैले अघि पनि भने 16 संशोधनकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू छुट्नु हुँदैन, उहाँहरूको अनिवार्य राय हामीलाई आवश्यक पर्छ र सँगसँगै समितिका हरेक सदस्यहरू यसमा आएर छलफल गर्ने यहाँहरूको अधिकार हो। वैसार में समिति में सदस्य सब कंपनी ऐन संशोधन विधेयक जल्दी निष्कर्ष में पहुंचाब पर पाक में जोर देने छल। समिति सदस्य के समृद्ध बनाब सेहो कंपनी ऐन जल्दी परिमार्जन का आगू बढ़ पर पाक समय आयल स्मरण कर लगे ओ आर्थिक समृद्धि हासिल करवला सरकार लक्ष्य प्राप्ति लेल सेहो कंपनी ऐन परिमार्जन कर अबेर कर नहीं हाथ उल्लेख के तर हामीले चाहिँ यहाँ यो स्टेसन पुर्याउन पनि सकेन र बल्ल आइपुगेन, त्यस कारण यसलाई अत्यन्तै छिटो टुङ्ग्याउँ। मन्त्री नवीन्द्र राज जोशी कम्पनी एन जल्दी निष्कर्षमा पहुँचाब व्यवस्थापिका संसदक उद्योग समितिकै आग्रह केरनाइ छ। समितिकै बृहस्पति दिनकै बैसारमा बजेट मन्त्री जोशी उद्योग क्षेत्रक विकासमा तीव्रता दक देशकै आर्थिक समृद्धिकै दिशामा आगू बढाव विधेयक लाभ परल स्पष्ट केरनाइ छ। उद्योग मन्त्रालय खनिज नीति सेहो लाभकै तयारी किने अछि। खनिज पदार्थक खोज तथा अनुसन्धान प्रक्रियाकै आगू बढाव खनिज नीति सम्बन्धी विधेयक लाभ सका तयारी कयल गेल मन्त्री जोशी जानकारी देलनि अछि। सरकार कम्पनी प्रशासनकै चुस्त दुरुस्त बनाब सेहो कम्पनी ऐन 2063 संशोधन कर बनल विधेयक जल्दिए पारित होब प्रतिमे जोड दैत आयल अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय आयोजक समितिमा कार्यरत 17 केन्द्रीय सदस्य सब सामूहिक राजीनामा दिने अछि। राजीनामा देवबला सबमै केन्द्रीय सदस्यक साथै पोल्टी ब्युरो सदस्य सेहो रहल अछि। ओ सब सिन्धुपाल्चोक जिल्लाक माओवादी नेता अछि। माओवादी केन्द्र सिन्धुपाल्चोक बुधदिन सदरमुकाम चौतारामा आयोजना केने प्रथम एकता फेरामा उपस्थित सहयोग कार्यकर्ता माझ केन्द्रीय आयोजक समितिमा रहल 17 संयुक्त राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर किने अछि। भेला में विशेष प्रस्ताव रखे केन्द्रीय सदस्य युवराज दुलाल सदर पार्टी के केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति भत्ता भेल कारण वही के चुस्त बनाकर प्रक्रिया के आधार में पार्टी निर्माणक बहस सृजना कर आयोजक समिति में रहल 17 राजीनामा पत्र में हस्ताक्षर केने बतौलन। अंतिम मुख्य समाचार एक बेर फिर प्रमुख दलक नेता सब मिलकर निर्वाचन में जाय के प्रतिबद्धता जनौलक। सम्बन्ध विच्छेद करबाक मोर्चाक चेतावनीक बाद चुनावक मिति घोषणा करबाक सरकारक मनसाय बदलल मोर्चाक सम्मतिक बाद मात्रे आगा बढ़त। स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत सब स्वास्थ्य कर्मी आ कर्मचारी अनिवार्य रूप में पालना करे पर बाक सेवा शर्त सबक संबंध में जारी निर्देशिका के विरोध। नवलपरासी में ट्रक की ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार एक गोटे के मृत्यु। व्यवस्थापिका संसदक वातावरण संरक्षण समिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमन तथा नियंत्रण कर बनल विधेयक पर परामर्श शुरू। अपन न्यूज एखन के लेल एक बार पल पल खबर तेज नजर देखते रहो अपन टीवी। नमस्कार।